देश विदेश और पंजाब की 10 बड़ी खबरों के साथ आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को कोर्ट ने 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले ईडी ने संजय सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान ईडी ने कोर्ट ने संजय सिंह के 10 दिन की रिमांड मांगी थी। मणिपुर इम्फाल वेस्ट जिले में फिर हिंसा भड़क उठी, जहां कम से कम 2 घरों में आग लगा दी गई और कई राउंड गोलीबारी हुई। पुलिस ने बताया ये घटना बुधवार रात करीब 10 बजे टोटोसाई पुलिस थाना क्षेत्र के है और उन्होंने बताया कि हमले के बाद आरोपी मौके से भाग गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुशल नेतृत्व और राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में राजस्व में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। जीएसटी संग्रह मामले में हरियाणा के देश के 5 राज्य शामिल हो गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में पहले 6 महीने अप्रैल सितम्बर 2023 में राज्य का कुल संग्रह पिछले वर्ष की अवधि के दौरान काफी बढ़ गया है। अमेरिका के दूतावास ने बृहस्पतिवार को उस खबर को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि नई दिल्ली के कनाडा के साथ राजनयिक विवाद से भारत अमेरिका के रिश्तों को प्रभावित होने की आशंका को लेकर अमेरिका के राजदूत एरिक रिसोटी ने अपनी टीम को सतर्क किया था। दक्षिण ताइवान में बृहस्पतिवार को तूफान कोइनू की वजह से भारी बारिश हुई, तेज हवाएं चली, इससे संबंधित घटनाओं में एक शख्स की मौत हो गई, 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। चोरों और लुटेरों का आतंक लगातार बना हुआ है। ऐसा मामला फिरोजपुर फाजिलका नेशनल हाईवे से सामने आया है, जहां स्थित गुरुद्वारा साहिब पर चोरों ने धावा बोल दिया और गोलक पर हाथ साफ किया। बठिंडा में एक बाइक सवार युवक पर जानलेवा हमले होने का मामला सामने आया है। घटना सुल्तानिया रोड की बताई जा रही है, जहां पर बाइक सवार युवक पर हमलावरों ने तेज धार हथियारों से वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म अक्टूबर को रिलीज होगी और इस फिल्म से सेंसर बोर्ड बहुत खुश नजर आया है। फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला है। ये रिश्ता क्या कहलाता के लेटेस्ट ट्रैक में आरोही को अक्षरा की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिलेगी। इसके बाद अक्षरा की प्रेगनेंसी की खबर सामने आती है और अभिमन्यु साफ तौर पर कहता है कि वो बच्चे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तन्वी और रविंद्र ने मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को संभाल लिया है। 9 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 71 रन है।